हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपको लेकर मेरे किचन में। वैसे आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कुछ बर्तन के रैक्स हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ लाइटर और ये सीजर और ये रोटी बनाने के लिए है। और आपको मेरा फ्रिज पीछे दिख रहा होगा, ये कुछ मसाले के रैक्स हैं और कुछ ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। डाउटफुल कुछ भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। वेरी गुड। हाँ, मैं दिख रही हूँ, मैं हूँ आद्या। और मैं किचन में क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और वीडियो भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि दोनों काम क्यों ना एक साथ करते हैं। जो मेन आइटम है मेरा वो है ये करेला। चेंज मत करना प्लीज, मुझे पता है आप लोगों को करेला पसंद नहीं है। अब इसे खाना मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, बट इसे आप जैसे कि जूस बना के पी सकते हो, जो बहुत हेल्दी होता है। इसके आप सब्जी बना सकते हो, इसको आप फ्राई करके खा सकते हो, इसको उबाल कर भी खाते हैं। पता है, इसे उबाल लेना, समझ लो कि कुकर में इसे और आलू उबाल लेना, निकाल लेना और अच्छे से दोनों को स्मैश करना, थोड़े मसाले थोड़ा नमक डाल दीजिए, मतलब तो खाने से है ही ना। टेस्ट चाहिए बट मतलब तो खाने से है ना। मुझे टेस्ट भी चाहिए, मुझे तो कलर्स भी चाहिए होता है खाने में। कलर्स अच्छे होना तो पता नहीं अपने आप मुझे लगता है कि टेस्ट तो होगा ही। ये जो करेला है ना, इस करेले में फास्फोरस की मात्रा एक्सेस होती है, जो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसे खाने से हम खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं और भूख भी खुल कर लगती है। तो क्यों ना मैं आपको आज एक तरीका बता दूं इसे बनाने का, चले क्या? तो इसे पकाने का प्रोसेस मैंने ज़रा फास्ट ही रखा है। दो वजह हैं, एक तो कि बड़ी ज़ोर की भूख लगी है और दूसरा कि मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ और काम फटाफट कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैजिकल वे से मेरे सारे करेले कट गए हैं और ये आलू भी मैंने काट दिए हैं। दोनों के साइजेस लगभग लगभग सेम रखे हैं ताकि पकाते वक्त मैं बायस ना रहूं, दोनों के साथ बराबर पेश आऊं। ये है टमाटर। मुझे ना ऐसे टमाटर पीसने में ना बड़ा मजा आता है। और इसे मैं अलग करूंगी और इसमें प्याज। यहाँ प्याज के साथ थोड़ी बहुत लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मसाले में हमने लिया है सरसों और ये मिर्चियाँ तीखी वाली। पेस्ट हमारा रेडी है। म्यूजिक होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, आदत है ना, हर सीन को इफेक्टिव बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की बहुत जरूरत है। ये धनिया और जीरा का पेस्ट। अरे साजो सामान के साजो, साजो 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 सामान, साजो सामान। अब सारे सामान के साथ हम रेडी हैं, तो शुरू करें। सॉरी, तेल खत्म हो गया था तो सोचा सबसे पहले तेल डाल लूं, फिर जाकर अपना काम करती हूँ। इसका कैप कहाँ गया? तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, वो मैंने बॉटल भर लिया है, ये कुछ बचा हुआ था। लो, ये भी खत्म हो गया। अब ठीक है, क्या कहते हो? जीरे की छोंक भी दे सकते हो आप। डाल दिया जीरा। आदत नहीं है ना बार बार कैमरे पे देख के बात करने की, इसीलिए भूल जाती हूँ, बार बार लुक उधर चला जाता है। एक्चुअली मैं खुद को देख रही होती हूँ। तो अब हम डाल रहे हैं करेला। वैसे जब तक ये फ्राई होता है कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया मेरे वीडियो को, अच्छे कमेंट्स भी आए और कुछ अच्छे फीडबैक्स भी मिले, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को देख के जो लोग भी लाइक करते हैं तो बस
मतलब लाइक्स में कौन लाइक कर रहा है या कौन मेरे वीडियो को देख रहा है मुझे नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में अगर आप एक स्माइली भी दे देना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा है, क्योंकि तो मुझे इंकरेजमेंट मिलते हैं इन सब चीज़ों से। ये लगभग फ्राई हो गया है, अब हम इसमें पोटैटोज ऐड करेंगे। नमक ऐड करना है, नमक थोड़ा सा जब हम फ्राई करते हैं, मैं ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या होगा कि इससे इसको पकने में हेल्प मिलेगा, प्लस ये थोड़ा बहुत नमक एब्जॉर्ब भी कर लेगा। देखिए हालत क्या हो रही है, गर्मी, ये गर्मी का असर और ऊपर से बाहर बारिश, ओह माय गॉड। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं कटे हुए प्याज और लहसुन और इसे हल्के से भूनने तक स्टर करते रहेंगे, आपको एक हल्की सी स्मेल भी आएगी लहसुन के फ्राई होने की। और इसमें हमने जो जीरा और धनिया का पेस्ट बनाया था वो डाला, जीरा और धनिया का पेस्ट मैंने पहले ऐड कर लिया, वजह ये है कि उसे हमें थोड़ा फ्राई करना पड़ता है ताकि फ्लेवर और स्मेल और टेस्ट अच्छा आए खाने में, और जो सरसों का पेस्ट हमने बनाया है उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। वजह है कि सरसों के पेस्ट को फ्राई करते हैं तो वो खाने को और ज़्यादा बिटर यानी कड़वा बना देता है, तो ये तो पहले से खाना तो कड़वा किसी को चाहिए नहीं, और ऊपर से ही सब्जी यानी करेले का ही सब्जी है, लेकिन हमें इसे और कड़वा नहीं बनाना, तो हम सरसों के पेस्ट को लास्ट में ऐड करेंगे। ज़्यादातर उसे बॉइलिंग प्रोसेस में छोड़ना पड़ता है तभी खाने में टेस्ट आता है। 2 मिनट और पकने के बाद टमाटर ऐड करेंगे और फिर थोड़ी सी और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम ऐड करने वाले हैं सरसों लास्ट में। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। मेरे पास आम का अचार पड़ा हुआ था खट्टा वाला, उसका मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आमचूर भी ऐड कर सकते हैं या फिर टमाटर की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है और हमारा ये करेले का सब्जी तैयार है। बैठ गई हूँ अपने लंच के साथ और मैंने आज चावल खाने का सोचा है क्योंकि करेले की सब्जी के साथ चावल बेस्ट है। रोटी के साथ थोड़ी दिक्कत होती है हमें मिर्ची। सोच रही हूँ क्या मैं मेरे मिर्ची के पौधे से मिर्ची लाऊं, वैसे तो ये सब बहुत तीखा ही है, मैंने करेले की सब्जी में भी काफ़ी मिर्ची डाला था, टेस्ट करते हैं पहले। मुझे पता है जब मैं टीएलसी का चैनल देखती हूँ ना तो खाना डिफरेंट टाइप ऑफ खाना देखकर ही मेरे मुंह में पानी आता रहता है कि कुछ खाऊं। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी भूख लगी होगी, खा लीजिए। और हाँ, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। स्टे विथ मी फॉर एवर। गॉड ब्लेस यू।